हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमआरआई स्पेक्ट्रोस्कोपी करने का क्या मेथड है, कि किस टाइप से हम एमआरआई ब्रेन का स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी करने से पहले एमआरआई रूटीन ब्रेन की 3 सिक्वेंसेस की नीड होती है। वैसे तो हम स्टडी के साथ ही करते हैं, जैसे अगर किसी पेशेंट का स्टडी नहीं है, डायरेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी ही करना है आपको, तो उससे पहले आपके पास 3 इमेज होना चाहिए, एक्सल सेज एंड कॉरोनल। अदरवाइज आप पूरा पहले ब्रेन करेंगे, उसके बाद आप स्पेक्ट्रो वाली जो ये सीक्वेंस होती है सिस, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जो लिखा है ना सिस SC135, ये स्पेक्ट्रो की सीक्वेंस है। तो इससे पहले आपको रूटीन MRI ब्रेन करना होता है। तो इस वीडियो में ब्रेन के सारे सिक्वेंसेस नहीं करूँगा, इसमें मैं ओनली जो मुझे रिक्वायरमेंट है जिन इमेजों की वो ही लूँगा। जैसे कि मैंने पहले T2 एक्सियल करा, काफ़ी टाइम से आप ये चीज़ें देखते आ रहे हो हमारे ब्रेन कैसे करते हैं, तो T2 एक्सियल का प्लान कर दिया। उसके बाद मैं T2 सेज करूँगा, T2 कॉर्नल। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि MR स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्लानिंग करने के लिए आपको 3 ओरिएंटेशन की नीड है, सेज इमेज, एक्सियल इमेज एंड कॉर्नल। वो जरूर नहीं है कि T2 की ही इमेज हो, T1 फ्लेयर, डिफ्यूजन फ्लेयर, कोई सी भी इमेज हो, लेकिन 3 ओरिएंटेशन में होना चाहिए। यानी कि जिसमें वो ट्यूमर दिख रहा है, जैसे मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में कि ट्यूमर के ऊपर हम स्पेक्ट्रो का प्लान करते हैं। तो जहां भी जिस इमेज में वो ट्यूमर दिख रहा है, वो फ्लेयर में भी दिख सकता है, T2 में भी हो सकता है, T1 में भी हो सकता है, तो आपको प्लानिंग करने से पहले 3 इमेजों की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले 3 ओरिएंटेशन में ये चीज़ें करी हैं। अच्छा जी, उसको ये देखिए T2 एक्सेल हो गया, मैंने सैज का प्लान कर दिया और ये T2 कॉर्नल। यानी कि आपको पहले MRI ब्रेन करना है रूटीन। तो इस वीडियो में पूरा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं ट्रायल वीडियो कर रहा हूँ, पेशेंट नहीं है ये, मैंने ऐसे आपको सिखाने के लिए मैं एक ट्रायल वीडियो बना रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि स्पेक्ट्रो की प्लानिंग हम करते कैसे हैं। तो आपके पास एक्सेल इमेज हो गया, तो ये तो रूट, ये तो MRI ब्रेन नॉर्मल है, इसमें कोई लीजन नहीं है। लेकिन आप सपोज करो यहाँ पे लीजन है, इसको मान लो आप ये लीजन है यहाँ पे ना, ये ट्यूमर है यहाँ पे, ये जो ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है आप ये देख रहे हैं ना, पुटामन, जो आप जब एनाटॉमी में पढ़ेंगे ब्रेन की, तो यहाँ पे पुटामन होता है ये वाला, ये पोर्शन, इस पर डालेंगे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी अभी हम इसको मान लेते हैं ब्रेन ट्यूमर। जब आपका इसका प्लान करेंगे, तो यहाँ से स्पेक्ट्रो में जाएंगे आप, और यहाँ से सीक्वेंस, ये वाली सीक्वेंस इधर लाएंगे और इसको ओपन करेंगे। ये देखिए, ये स्पेक्ट्रो की जो सीक्वेंस है, ये ऐसे आता है स्पेक्ट्रो का प्लान। तो इसको देख के डरना नहीं है कि ये क्या हो गया है, इसमें इसको समझाऊंगा मैं आपको करना। तो इसकी प्लानिंग करने के लिए आपको एक सेज इमेज और कॉर्नल इमेज भी चाहिए। तो अभी हम इसका प्लान करेंगे, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्लानिंग है, बताऊंगा मैं भी आपको 3 इमेज आने के बाद में। ये अभी सेज आ गया, ये सेज इमेज है, अब हमारा कॉर्नल आने वाला है, उसके बाद डालेंगे हम। तो अभी हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये सीमेंस में स्पेक्ट्रोस्कोपी डालने की मेथड है, कि सीमेंस में आप स्पेक्ट्रोस्कोपी का ऐसा प्लान करेंगे। दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप जब G पे MRI करेंगे, तो उसमें मेथड अलग होगा, मतलब उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो डिफरेंट होगा, लेकिन मेथड यही होगा, थोड़ा फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन आपको बेसिकली जो चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा वही उसमें भी करना होगा। तो अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे T2 कॉर्नल इमेज, T2 कॉर्नल इमेज आने के बाद में आपको बताऊंगा अच्छे से कि हाउ टू डू MRI स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि ये जल्दी से कोई सिखाता नहीं है स्पेक्ट्रोस्कोपी को करना, और इसमें है कुछ भी नहीं।
दो मिनट में अभी सीख जाएंगे आप स्पेक्ट्रोस्कोपी करना, लेकिन आपको पढ़ना है। मैंने इससे पहले भी वीडियो में चीज़ें बताई थी, उन सारी चीज़ों को आपको जो मेटाबोलाइट्स हैं, किसके लिए हम करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो इस टाइप से हमारे तीनों ओरिएंटेशन जो हैं इमेज की कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए, स्पेक्ट्रो डालने के लिए आपको तीनों इमेज आने बहुत ज़रूरी हैं। अब ये T2 कॉर्नल है, T2 सेज है, ये वाली इमेज आप फ्लेयर भी ले सकते हैं, T1 भी ले सकते हैं, कोई भी इमेज ले सकते हैं आप ब्रेन की, पर आपको इसमें लीजन दिखना चाहिए तीनों में। सपोज करो आपको ये यहाँ पर ये ब्रेन ट्यूमर है ना, ये यहाँ पर अभी हमें डी तो है नहीं ब्रेन ट्यूमर, नॉर्मल इमेज है, लेकिन हम सीख रहे हैं अभी, है ना। तो यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रो का प्लान करना है। तो ये मैं सीक्वेंस ओपन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपके जो आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, जो पीली जो पट्टी हैं, इनको बोलते हैं सेट बैंड। इन सेट बैंड को आप पहले डिलीट कर लीजिए, एक एक करके सारा डिलीट कर लो इनको, है ना। ये सेट बैंड होते हैं, इसका क्या काम होता है MRI में इसको भी मैं बताऊँगा। ये देखिए, बेसिकली ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं, ये जो आप पूरा ये नेट टाइप का जो देख रहे हैं, इसमें आपको प्लानिंग करनी होती है। इसमें अब स्पेक्ट्रो कौन सी जगह पे काम करता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाइट वाइट कॉलम, ये जहाँ पे ये हो, मतलब स्पेक्ट्रो का ये FOV है, ये पूरा यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, ये पूरा ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो इमेज आएगी, जो FOV है, वो ये है, ये वाइट बॉक्स। तो ये वाला जो आप वाइट बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स को आपको जहाँ पे ट्यूमर है, वो ट्यूमर इसके अंदर आना चाहिए, जैसे मैंने इसमें कवर कर लिया। अब आपको ये बॉक्स इधर नहीं दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, तो इसको लाने के लिए क्या करना होता है कि यहाँ पे जो ट्यूमर है, ये जो ट्यूमर है, तीनों की इमेज लोकेशन सेम होना चाहिए। देखो, अब सेम करने के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ स्क्रॉल पर जाऊँगा और ये नियरेस्ट करूँगा। देखिए, इस नियरेस्ट करने से क्या हुआ कि जैसे हम 3D खोलते हैं ना, 3D जो पॉइंटर चलता है, जैसे कि जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है वो सेज में यहाँ पे है, और जो चीज़ यहाँ पे ट्यूमर वो कॉर्नल में यहाँ पे। अब तीनों इमेजों की लोकेशन सेम हो गया, समझ रहे कि इस इमेज में ट्यूमर यहाँ पे है, इस इमेज में ट्यूमर यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे, तीनों की लोकेशन सेम हो गया, समझ रहे हैं आप। दोबारा समझिए कि सपोज करो आपको जो स्पेक्ट्रो है, स्पेक्ट्रो डालना है आपको कहाँ पे, यहाँ ट्यूमर है सपोज करो, तो स्पेक्ट्रो ये जो वाइट बॉक्स है यहाँ लेके आएंगे आप, लेके आए। अब यहाँ पर जो ट्यूमर है, यहाँ जो ट्यूमर है, इस कॉर्नल में भी तो आपको दिखना चाहिए। सपोज करो कॉर्नल की स्लाइस ले रखी है आपने एंटीरियर, यानी पोस्टीरियर कर रखी है, और सजाइटल में कर रखी है आपने लेफ्ट साइड में, जबकि आपका जो ट्यूमर है वो राइट साइड में है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि तीनों को लोकेशन को एक साथ लाने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सेल इमेज पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल में जाएंगे और नियरेस्ट कर देंगे। तो नियरेस्ट करने से क्या होगा, तीनों इमेजों की सेम लोकेशन पे आपकी जो चीज़ें देखनी है वो आ जाएगी। ट्यूमर जो यहाँ है वो राइट साइड में है, वो यहाँ पे भी राइट साइड में दिखाई देगा, और कॉर्नल पे भी, यानी कि सेम स्लाइस सिलेक्शन हो गया, इसको बोलते हैं सेम स्लाइस सिलेक्शन। कि ठीक है, अब इसको डालने का मेथड क्या होता है, ये जो वाइट एरिया, जो वाइट ये जो देख रहे हैं बॉक्स, ये किसी बोन से टच नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये बोन है, ये रूल है इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी डालने के, रूल हैं कि ये जो ये इसका जो इसको वॉक्सल बोलते हैं, वॉक्सल, ये जो वॉक्सल है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जो वॉक्सल है ये बोन से टच नहीं होना चाहिए। जैसे अभी देखो बोन से टच हो गया, ये बोन से टच नहीं होना चाहिए, है ना। और ये एयर से टच नहीं होना चाहिए, जैसे कहीं सपोज करो ब्रेन में अगर किसी को इंजरी हो गया है और वहाँ पे एयर आ गया, तो एयर से नहीं टच होना चाहिए, फ्लूइड से टच नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो कोई ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर में जैसे कोई हेमरेजिक ट्यूमर आ गया, उसमें ब्लड भी है और सॉलिड भी है, सॉलिड कंपोनेंट है, तो जब भी हम स्पेक्ट्रो को रन करते हैं, सॉलिड जहाँ सॉलिड मास होता है, जहाँ ट्यूमर का पूरा कंपोनेंट है, वहाँ पे चलाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को।
तो ये जो ट्यूमर का, जैसे सपोज करो ये जो वेंट्रिकल है, सपोज करो ये ट्यूमर है, तो ये आप इसकी वॉल पे लगाएंगे। मोस्टली कोशिश करेंगे कि इसकी वॉल इस पर कवर होनी चाहिए। इस टाइप से लगा लिया, या पुटामैन पे लगाना है, यहाँ लगा लिया, ठीक है। इसकी लोकेशन सेट कर देने के बाद में कुछ नहीं है इसमें करने में। देखो आप करना क्या है आपको, जहाँ भी लीजन होगा ये वॉक्सल इसके ऊपर रख देना है। सपोज करो यहाँ लीजन है, रख दिया मैंने इसमें, वो ट्यूमर इसके अंदर आ गया। अब जरूर नहीं कि पूरा ट्यूमर, काफी सपोज करो इस वॉक्सल से बड़ा ट्यूमर है, काफी बड़े बड़े ट्यूमर होते हैं, तो जरूर नहीं कि पूरा ट्यूमर ही वो उसमें वॉक्सल में कवर हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ जो उसका सॉलिड एरिया है उस ट्यूमर का, वहां पे कवर कर लीजिए, वहां पे वॉक्सल डाल दीजिए, वहीं से पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के लेकर आएगा कि क्या इसमें क्या, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको। तो सपोज करो मैंने फाइनली यहाँ पर डाल दिया, ये पुटामैन पर डाल दिया, प्लानिंग डाल दिया इसका, और स्क्रॉल करा और नियरेस्ट करा। अब इसमें आपको चारों तरफ इस वॉक्सल के राइट लेफ्ट एंटीरियर पोस्टीरियर सेट बैंड क्रिएट करने होते हैं, जो अभी मैंने डिलीट कर दिए थे, वो सेट बैंड क्रिएट करना आपको सीखना है। यानी हर हर एक इमेज पे, ये जो सहज इमेज है, इसके सुपीरियर इन्फीरियर राइट एंड लेफ्ट में चारों तरफ सेट बैंड होंगे, इसमें भी सेट बैंड होंगे और यहाँ पे भी सेट बैंड होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं सेट बैंड को क्रिएट करना। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है जियोमेट्री, इसमें जाएंगे और यहाँ पे देखो सेट रीजन है, यहाँ पे मैं प्लस करूँगा। प्लस कर देने पे अब ये जो सेट बैंड है, ये जो सेट बैंड आप देख रहे हैं, ये इस वॉक्सल से आप टच करेंगे इस टाइप से। ये इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, जो वाइट वॉक्सल देख रहे हैं आप, ये देखिए अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये जो है, इतना तो पता होगा जब हमारा ही सीख रहे हैं, तो ये सेट बैंड है, ये वॉक्सल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसे इस वॉक्सल से आप नीचे रखेंगे। तो एक सेट बैंड क्रिएट हो गया मेरा। अब मुझे सेकंड जब सेट बैंड क्रिएट करना है, तो देखिए ये प्लस टू करूँगा और यहाँ पे ये जो ओरिएंटेशन है ना, पहले मैंने ट्रांसवर्स करा था, अब कर रहा हूँ कॉरोनल। अब कॉरोनल में सेट बैंड क्रिएट करूँगा, ये सीक्वेंस याद रखना है। अब देखिए ऐसे ही मैंने इधर ये इस वॉक्सल से टच कर दिया, ठीक है, और एक्सेल में ये रहा वॉक्सल और इस वॉक्सल पे ये मैंने यहाँ कवर कर दिया। दो सेट बैंड क्रिएट हो गए। अब मैं तीसरा सेट बैंड क्रिएट करूंगा, प्लस करूंगा, तीसरे की ओरिएंटेशन क्या आएगी, सेज। यानी कि इसको सेट बैंड क्रिएट करने का मेथड क्या होता है सीमेंस में, पहले ट्रांसवर्स, कॉर्नल, सजाइटल। तो तीसरे नंबर पे क्या आ गया, सजाइटल। ये सजाइटल करा, तो सजाइटल कर देने के बाद में राइट में लगा लिया हमने, ठीक है, राइट में लगा लिया। अब चार नंबर पे सेट बैंड क्रिएट करेंगे, चार नंबर पे। अब चार नंबर पे कौन सा आ जाएगा दोबारा से, ट्रांसवर्स। भाई पहले तीन हो गए हमारे, ट्रांसवर्स, कॉर्नर और सजाइटल। अब जब चौथा नंबर आएगा, चौथे सेट बैंड का, तो वो दोबारा से क्या आएगा, ट्रांसवर्स। तो ये मैंने कर दिया ट्रांसवर्स। ये सीक्वेंस याद रखना है बस, ठीक है। चार सेट बैंड क्रिएट हो गए। अब प्लस करेंगे पाँच, पाँच पे कौन सा आएगा, देखो कॉर्नल, कॉर्नल क्लिक किया हमने और ये हमने सेट बैंड के इधर कर लिया। अब देखो सजाइटल पे चारों तरफ सेट बैंड लग गए वॉक्सल के, इस जो वॉक्सल था उसके चारों तरफ सेट बैंड मैंने क्रिएट कर दिए। अब मेरे को एक्सियल पे एक सेट बैंड रह गया मेरा, लेफ्ट साइड का और कॉर्नल पे। तो सिक्स नंबर पे मैं क्लिक करता हूँ, छः हो गए और छः पे कौन सा आएगा, सजाइटल। ये देखिए ये आ गया, जो हमने पहले डिलीट करे थे ना, वो दोबारा से हमने लगा लिए यहाँ पे। और ये इमेज जूम है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अब देखिए ये हो गया। ये प्लानिंग है दोस्तों स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जिसके लिए लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रो आता है करना, कुछ नहीं है इसको समझने में। क्या था आपको, ये वॉक्सल के चारों तरफ सेट बैंड क्रिएट ही तो करने थे, हमने छह सेट बैंड क्रिएट करे थे इसमें। ये देखिए ये सिक्स थे ना, इसका जो सीक्वेंस कोडिंग है वो ऐसे जाएगा, पहले ट्रांसवर्स, फिर कॉर्नल, फिर सजाइटल। यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा है, अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए जब हमने सेट बैंड क्रिएट करे थे, तो
दोबारा से एक बार कर देता हूँ, इनको डिलीट करो, क्योंकि आप अच्छे से सीख लीजिए एक बार। ये देखिए, ये वॉक्सेल है, इसके अंदर ये ट्यूमर है, इसके चारों तरफ हम सेटमेंट क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले आप एक सेटमेंट क्रिएट करेंगे, कौन सी ओरिएंटेशन में? ट्रांसवर्स में। आपने ये यहाँ पे कर लिया, ट्रांसवर्स सेट कर लिया आपने, ये कर लिया। फिर आप दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आएगा? कॉरोनल। ये रहा यहाँ पे कॉरोनल। ये आपने, ये जो सेट बैंड है, इस वॉक्सल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं आ जाना चाहिए, ऐसे नहीं, वॉक्सल के ऊपर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? दो हो गए। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा फिर? सजाइटल। देखो जो यहाँ पे जो चीज़ें आ रही है ना, ये पहले क्या है? ट्रांसवर्स, कॉर्नल, सजाइटल। तो तीसरे अब क्या हो गया? सजाइटल। आपको टोटल सिक्स सेटमेंट क्रिएट करने हैं, सिक्स में तीनों इमेज कवर हो जाएंगी। अब चौथे नंबर पे फिर से क्या आ जाएगा? ट्रांसवर्स। ये आ गया ट्रांसवर्स, ये आ गया। अब पांचवे पे आपको क्लिक करना है, पांच नंबर पे कॉर्नल। जो सिक्वेंसेस में दिया उसी सिक्वेंस में आप लगाते रहो। देखो सहज पे चारों तरफ से इमेज कवर हो गया। अब सिक्स नंबर पे क्रिएट करो, सिक्स पे आ जाएगा कौन सा? सजाइटल। ये आ गया सजाइटल। ये है दोस्तों प्लानिंग, इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको प्लानिंग कर देने के बाद में आप यहाँ से क्या कर देते हैं? अप्लाई, अप्लाई कर दो। ये जो सीक्वेंस चलेगा 6-7 मिनट तक इसका टाइमिंग होता है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये कैसा दिखाई देता है अब देखिए। तो मैंने तो अभी ये ब्रेन पे मैं आपको सिखा रहा था, तो ब्रेन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो नहीं हुआ है आज, लेकिन एक प्रोस्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपी हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्कैन होने के बाद आपको कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों अभी डाटा नहीं है स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मैं देख रहा था इसमें प्रोस्टेट का, वो डिलीट कर दिया हमने डाटा। अभी नेक्स्ट कोई वीडियो आएगा तो उसमें फिर आपको दोबारा से सिखाएंगे हम इसके ग्राफ बनाने और इमेज बनानी। तो बेसिकली आज के वीडियो में इतना ही था कि आप इसके जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्लानिंग कैसे करेंगे। मैंने पहले बोला है कि तीन वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगा इसको। पहले वीडियो में मैंने आपको सिखाया किस लिए करते हैं, आज मैंने आपको सिखाया कि इसकी प्लानिंग कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको रीड कैसे करते हैं, देखते कैसे, इसमें क्या हम देखते हैं और कैसे इसकी फिल्मिंग करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। यदि इस वीडियो से आपको सीखने को मिलता है तो वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।